अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया, तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में उसके दो पार्ट्स उसने दिए हुए हैं, जिसमें वो कह रहा है कि डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। उसने ना हर पार्ट में दो दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, तो हम इनको किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए, हम इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है, अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो हम क्या कहेंगे, ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। जी, उसने इसमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 3, 5, 4 एंड 7, और दूसरा उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है 7, -5, -4 एंड 3। ये दो उसने जो है ना मैं मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। चलिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3, 5, 4 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, -5, -4 एंड 3। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 को 7 से किया तो 21 आ जाएगा, इधर माइनस है माइनस आ जाएगा। 5 को 4 से किया तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 को -5 से किया तो -15 आ जाएगा। 5 को 3 से किया +15 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 7 से किया 28 आ जाएगा और 7 को 4 से किया तो ये माइनस है, इधर भी माइनस आएगा, इधर आएगा 28 ही आएगा इधर भी। ठीक है, अब 4 को -5 से किया -20 आ गया, 7 को 3 से किया +21 आ जाएगा। चलिए, अब इन दोनों को इधर काम मजीद करते हैं। 21 -21 -15 +15 से गया 0 आ गया, 28 -28 से कट गया, -20 +21 1 आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब ये किसके इक्वल है, आई के, जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये देखें, मैंने कहा था कि हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, दोनों मैट्रिक्स को इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, जो कि 1001 के इक्वल है, जिसके डायगोनल्स में 1 1 होता है। तो ये क्या साबित कर रहा है कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर इसकी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे हम। सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ है 1, 2, 2, 3 and -3, 2, 2 and -1। अब देखें, जिस तरह हमने पहले मैट्रिसेस को सॉल्व किया है, इनको मल्टीप्लाई किया है, बिल्कुल इनको भी उसी तरह मल्टीप्लाई कर देना और देखना कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं आता। अगर इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे नहीं है। तो ये क्योंकि आ गया था इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यहाँ लिखेंगे यस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1, 2, 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, 2, 2 एंड -1। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को -3 से किया तो -3 आ जाएगा,
टू को टू से किया प्लस फोर आ जाएगा, वन को टू से किया टू आ जाएगा, टू को माइनस वन से किया तो माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब टू को माइनस थ्री से किया माइनस सिक्स आ जाएगा, थ्री को टू से किया प्लस सिक्स आ जाएगा, टू को टू से किया फोर आ जाएगा, थ्री को माइनस वन से किया माइनस थ्री आ गया। चलें जी, माइनस थ्री प्लस फोर वन, टू टू से कैंसिल, माइनस सिक्स प्लस सिक्स से कैंसिल, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, फोर माइनस थ्री वन। ये भी देखें हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो ये भी हम कहेंगे ये भी इन्वर्स है, ठीक है। ये भी क्या था, ये भी इन्वर्स था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये भी था और ये भी था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।